गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे. क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो फसल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स के लिए वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं. कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन सक्सेशन रेंडर्स द सॉइल डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिशन. अगर हम बराबर फसल उगाएंगे, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन सक्सेशन रेंडर्स द सॉइल डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिशन. अगर हम बराबर एक ही फसल बोते हैं तो उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. दिस रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. और इससे यील्ड, YIELD, यील्ड मीन्स उत्पादन, YIELD, यील्ड मीन्स उत्पादन. तो उससे फसल के उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, वो कम हो जाती है. दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इफ़ द फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और अलो फॉर सम टाइम. इसके लिए हमको उस फील्ड को, खेत को थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाना चाहिए. फॉलोइंग इज़ ए मेथड ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स एंड इज टू लीव एंड फ्री. फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ अलाउइंग लैंड. तो फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स एंड इज़ टू लीव एंड फ्री फैलो फॉर वन और मोर सीजन. तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको न्यूट्रिएंट्स के उसको अंदर डालना पड़ेगा. द डेड प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर हैज़ गेट कलेक्टेड ऑन द फील्ड आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो खेत है उसके ऊपर सड़ी गली फसलें, जो पत्ते होते हैं जो सड़ जाते हैं, टहनियाँ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सड़ जाती है और खेतों में मिल जाती है. देयरफॉर द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में मिल जाते हैं. सिंस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, फार्मर हैव बीन एडिंग सर्टन सब्सटेंस टू द सॉइल टू रीप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. अब देखो, अगर हम सोचें कि थोड़े टाइम को उस लैंड एरिया को, फील्ड को कल्टिवेट नहीं करें, वहाँ पर कोई खेती नहीं करें, पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी नहीं है कि हम खाली बैठे रहें, फसल नहीं उगाएं तो उत्पादन कैसे होगा, इकोनॉमिक गड़बड़ा जाएगी. तो इसके लिए किसान जो होता है उसके अंदर कुछ पदार्थ डालता है, ऐसे सब्सटेंस डालता है जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए. इन अनादर मेथड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डेफिशिएंसी इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग. एक अलग भी मेथड है जिसको कि हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, जिससे कि हम मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ फील्ड इज नोन एज मिक्स क्रॉपिंग. अंडरलाइन दिस लाइन, रीड इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट इज मिक्स क्रॉपिंग? वेन टू और मोर क्रॉप ग्रो साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में. जब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं एक ही खेत में, तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग. इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन आवर कंट्री. यह बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, लोग बाग ऐसा काफ़ी समय से किसान करते आ रहे हैं. फार्मर यूज टू मिक्स द सीड ऑफ टू क्रॉप एंड सो इन द फील्ड. तो किसान जो होते हैं दो तरह के बीजों को, दो वेराइटी के बीजों को, दो फसलों के बीजों को एक साथ मिक्स करके और फिर खेतों में बोते हैं. द क्रॉप आर चूजन इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप. द क्रॉप आर चूजन इन सच ए वे. दो फसलें ऐसी चूज करी जाती है, ऐसी सेलेक्ट की जाती है ताकि प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द वन क्रॉप हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप. जो एक क्रॉप है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी वाली क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करे, उसकी ग्रोथ में हेल्प करे. फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, इफ़ ए सीरियल क्रॉप सच एज वीट इज ग्रोन अलोंग विद द लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज पल्सेस ग्राम, देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय सीरियल्स इज कंपनसेटेड बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम. देखो, अगर हम दो तरह की फसल, वीट और पी, वीट की फसल एंड पी मटर की फसल, अगर हम ये साथ साथ उगाते हैं तो वीट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो पी से मिल जाएगा और पी को जो
दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए वो वीट से मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक दूसरे को वो एडवांटेज होता है। अब है इट हैज़ टू एडवांटेज, इससे दो एडवांटेज होते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज, मिट्टी की जो फर्टिलिटी उपजाऊपन है वो बढ़ता है। अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड, और इससे उत्पादन बढ़ता है, हमको अनाज ज़्यादा मिलता है। तीसरा, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब वो पदार्थ जो कि हम मिट्टी में डालते हैं ताकि फसल की यील्ड ज़्यादा हो, फर्टिलिटी बढ़े, उसको हम बोलते हैं मैन्योर, खाद, एंड फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब हम मैन्योर को और फर्टिलाइजर को मिट्टी में डालते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद डालना। नाउ सिंस एंशियंट टाइम पीपुल हैव बीन यूजिंग मैन्योर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड अदर नेचुरल मटेरियल टू हेल्प प्लांट ग्रो। मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक पदार्थों में रिच होता है। मैन्योर आर ऑफ थ्री काइंड, मैन्योर तीन तरह के होते हैं, फार्मियर्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तीन तरह के मैन्योर है, पहला है फार्मियर्ड मैन्योर, दूसरा कंपोस्ट और तीसरा ग्रीन मैन्योर। फार्मियर्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, इसके अंदर गाय वगैरह जो पशु होते हैं उसका मलमूत्र होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, यूरिन बाथरूम होता है, रिमेंट ऑफ स्ट्रो एंड फार्म वेस्ट, जो खेत के जो वेस्ट होते हैं, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी, टहनियाँ, ऑल दीज आर मिक्सड एंड अलोड टू द ड्राई इन सन। ये सब मिला के उसको धूप में सुखा देते हैं। सब्सिक्वेंटली इट इज़ यूज एज मैन्योर, और इसको मैन्योर के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा है कंपोस्ट, कंपोस्ट इज मैन्योर ऑब्टेंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। में कंपोस्ट जो है वो किससे बनता है? जो सड़े गले पौधे हैं और एनिमल का वेस्ट है, मलमूत्र जो है उसके द्वारा बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। फिर थर्ड है ग्रीन मैन्योर, कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट विच आर प्लो अलोंग विद द सॉइल। ग्रीन मैन्योर वो होते हैं हरे पौधे जो कि प्लोट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं मिट्टी के साथ में। जनरली क्विक ग्रोइंग लेग्यूमिनियस प्लांट आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर। जो हरे पौधे हैं, कौन से? लेग्यूमिनियस प्लांट, फलीदार पौधे, मटर, चने, ये वाले पौधे जो होते हैं वो ग्रीन मैन्योर के रूप में काम में लिए जाते हैं। अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग फर्टिलाइजर। ये तो मैन्योर था जो कि नेचुरल चीज़ों से बनता है, गाय के गोबर वगैरह से, सूखी पत्तियों से, हरे पौधों से, तो ये था ऐसे वाले, इनको बोलते हैं मैन्योर। अब कुछ पदार्थ जो कि केमिकल से बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, वो कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर आर द अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर की नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है। फिर दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। डिफरेंट फर्टिलाइजर आर यूज फॉर डिफरेंट प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अलग अलग फर्टिलाइजर के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर आर यूज, अलग अलग फर्टिलाइजर अलग अलग पौधों के लिए, फसलों के लिए उपयोग में लेते हैं। अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर में बी मार्क्ड NPK, CAN, ETC. NPK means that the fertilizer bag contain nitrogen, phosphorus and potassium. जो फर्टिलाइजर के बैग होते हैं उस पर NPK लिखा होता है, मतलब कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और इस तरह से नाइट्रोजन, पोटेशियम, NPK means जो होता है। अब एक फर्टिलाइजर कंटेन NPK, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वाइल CAN मीन्स कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट। CAN भी फर्टिलाइजर का नाम है, इसका मतलब होता है कि कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, जो कॉमन फर्टिलाइजर्स है वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK एंड CAN। फार्मर फाइंड फर्टिलाइजर बेटर देन मैन्योर एज फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर।
फर्टिलाइज़र को हम स्टोर आसानी से कर सकते हैं जिसका ट्रांसपोर्ट ईजी है। फर्टिलाइज़र आर सप्लाइड आइदर बाई स्प्रेइंग, उनको हम स्प्रे करके कर सकते हैं या इरीगेशन के थ्रू भी डाल सकते हैं। अब है हैज़ार्ड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग नुकसानदायक है, विषैला है, हैज़ार्ड बहुत ही खतरनाक है। दो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, मेज, राइस। कंटिन्यूसली यूज हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल एंड हैज़ ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब माना कि इनसे फसल तो अच्छी होती है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे हमारा जो क्रॉप होता है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है, बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ये जो होते हैं वाटर को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर, जबकि हमको मैन्योर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, दे इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ सॉइल, ये टेक्स्चर को अच्छा कर देते हैं। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। दे मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सॉइल इम्प्रूव, मिट्टी को पोली बना देते हैं जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकती है। इंक्रीज एरिएशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब, इससे मिट्टी में अर्थवॉर्म वगैरह की ज़्यादा मात्रा आ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या क्या अंतर है। मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन फील्ड, मैन्योर को फील्ड में बना सकते हैं जबकि इनको फैक्ट्री में बनाते हैं। इट इम्प्रूव क्वालिटी एंड टेक्स्चर ऑफ सॉइल, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। फिर मैन्योर जो होता है वो पानी में, इट रीस्टोर द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन, ये पानी को रोकता नहीं है। फिर इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म स्लोली बाई डीकम्पोजिशन प्रोसेस, ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा होता है। फिर इट नीडेड ए लार्ज क्वान्टिटी, मैन्योर को मैन्योर की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसकी मात्रा फर्टिलाइजर की कम चाहिए। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं बहुत ही रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमारे काम के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड ऑफ रीप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज बाय क्रॉप रोटेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन इज मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड, एक ही खेत पे एक के बाद एक दूसरी फसल को बोना, अल्टरनेट रूप से बोना कहलाता है क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ग्रो क्रॉप लाइक वीट और बार्ले इन फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी और सोयाबीन नेक्स्ट ईयर। एक सीजन में किसान जो होते हैं पहले गेहूं का पौधा या बार्ले जौ का पौधा उगाते हैं, नेक्स्ट सीजन में वो फलीदार पौधे जैसे कि मटर चने को उगाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, जब लेग्यूमिनस प्लांट हम बोते हैं तो मिट्टी में जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा आसानी से बढ़ जाती है। अब हाउ लेग्यूम प्लांट इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं फलीदार पौधे होते हैं मटर वगैरह चना, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन एज टू बी प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट ऑन द रूट। तो कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, वो मिट्टी में जो ये लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी जड़ों में होते हैं, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। लेग्यूमिनस प्लांट की मिट्टी की जो जड़ें होती है उन जड़ों के अंदर ऐसे गठानों जैसी रचनाएं होती है, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड हेल्प फिक्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं रूट में, रूट इनको रहने की जगह देती है और ये प्लांट बदले में उसको नाइट्रोजन देते हैं।
The nitrogen so fixed can be used by plant root from the soil. This is how fertility of soil is increased by leguminous plant. तो इस तरह से leguminous plant जो होते हैं उनकी जड़ों में ये nitrogen fixing bacteria होते हैं जो वायुमंडल के nitrogen को nitrate में बदल देते हैं और फिर पेड़ पौधे जड़ों से वो nitrogen ले लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू कंपाउंड विच कैन बी यूज बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. वायुमंडल की नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदल देना ताकि वो उसको ले सके, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इस तरह से आज हमने इरीगेशन सबके मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये बढ़ाते हैं, क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इरीगेशन. ओके, थैंक यू.